टीवरत ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, सर्बिया एक्सपोर्ट कैसे करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया, उसके ऊपर बात करेंगे। हाउ टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया, कैसे आप सर्बिया को एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। आप YouTube का सर्च बार में जाइए, लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो मेरा पुराना वीडियो आपको मिल जाएगी। वो पुराना वीडियो देख लीजिए, सर्बिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक में सर्बिया के बारे में बात करेंगे। सर्बिया को आजकल इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगा है इंडिया टू सर्बिया। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। सर्बिया का जो राजधानी का नाम है बेलग्रेड है। पॉपुलेशन है 70 लाख के अबव पॉपुलेशन है, और सर्बियन भाषा में बात करते हैं। उनका नेबरिंग कंट्रीज है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, कोसोवो है, अल्बेनिया, ग्रीस, रोमानिया, बहुत सारे कंट्रीज उनका नेबरिंग कंट्रीज है। सर्बिया को डायरेक्ट वेस्टर्न यूरोप यूरोपियन कंट्री के साथ रोडवेज रेलवेज कनेक्शन है, और सर्बिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। और सर्बिया के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा रिलेशन है, और सर्बिया को इंडियन एक्सपोर्टर इंडिया 2022 में 83 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, और 2023 में वो इंक्रीज हुआ था। 2024 में ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगा है सर्बिया को। इंडिया से डायरेक्ट सर्बिया को एक्सपोर्ट हो रहा है, दुबई से भी एक्सपोर्ट हो रहा है। काफ़ी सारे इंडियन एक्सपोर्टर सर्बिया को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और करने जा रहे हैं। सर्बिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, और सर्बिया को आपको पता होगा 1998-99 में जब यूगोस्लाविया वार हुआ था, अमेरिका एंड नेटो कंट्रीज सर्बिया को अटैक किया था, और सर्बिया के ऊपर सर्बिया का काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, बिल्डिंग डैमेज हुआ था, वहाँ का जो रोड डैमेज हुआ था। अभी उसका रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 20 साल से रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है, अभी भी उनका काफ़ी सारे बिल्डिंग्स बन रही है। तो सर्बिया को ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रिक्वायरमेंट्स है। तो इस टॉपिक में मैं बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट्स फिलहाल एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स का डिमांड है इन सर्बिया, और कैसे आपको सर्बिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, उसके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहला एक्सपोर्ट वहां पर एक्सपोर्ट ऑर्डर है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, स्टील प्रोडक्ट और आपका सिरामिक प्रोडक्ट और हार्डवेयर प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी इंडिया से तेजी से एक्सपोर्ट हो रहा है टू सर्बिया, आप लिख लीजिए। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सपोर्ट हो रहा है। केमिकल्स एक्सपोर्ट हो रहा है, प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद फुटवेयर, जितने सारे जूते चप्पल जूते एक्सपोर्ट हो रहा है, और आपका जो फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहा है, गारमेंट एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद सिरामिक प्रोडक्ट, जितना टाइल्स मार्बल वगैरह एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका बाथरूम फिटिंग्स बाथरूम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद लेदर गुड्स, सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी ठंड पड़ता है, लेदर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट हो रहा है, ग्लासवेयर ग्लास प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, किचन वेयर एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बाद होम लिनन एक्सपोर्ट हो रहा है। डिटेल्स में आपको बता दिया सर्बिया को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये दुबई से भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सर्बिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू सर्बिया, मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। ऑल्सो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ कैसे आपको सर्बिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। सर्बिया का कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, सर्बिया का येलो पेजेस, सर्बिया का बिजनेस डायरेक्टरीज एंड सर्बिया का क्लासिफाइड वेबसाइट्स, ये जो साइट्स है आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा सर्बिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। ऑल्सो सर्बिया का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए, ये आपको मदद करेगा सर्बिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो दिखा दिया आपको सर्बिया का जितने सारे क्लासिफाइड वेबसाइट येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरीज होता है, आपको दिखा दिया, आप लिख लीजिए, और जब आपके पास समय है आपका कंप्यूटर लैपटॉप में वन बाय वन साइट खोलिए। लेकिन ये साइट खोलने से पहले आपका वेबसाइट रेडी होना जरूरी है, ठीक है? तो वन बाय वन वेबसाइट खोलिए, सर्बिया को वेबसाइट खोलिए।
टॉप राइट कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन करिए, आपका वेबसाइट को ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप ऐड कर लीजिए सर्बिया का साइट में, उसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद सर्बिया का ये सब साइट में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर्बिया का जितने सारे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स जब सर्च करेंगे कुछ भी बाइंग सेलिंग करने के लिए, तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकेंड हो गया, इन्हीं सब साइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सर्बियन कंपनी को ढूंढिए, सर्च करिए। सर्बियन कंपनी मिलने के बाद आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करिए, कम्युनिकेट करिए ईमेल के द्वारा। उनको आप ईमेल भेजिए, आपका कंपनी प्रोफाइल भेजिए, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, तो सर्बियन कंपनीज आपको रिप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको येलो न्यूज़पेपर दिखा दिया, सर्बिया का न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, उसमें बिजनेस न्यूज़पेपर ज़्यादा करके इंग्लिश में है, सर्बियन में है, सर्बियन भाषा का न्यूज़पेपर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए, उनका बिजनेस पेज में जाइए और इन्फॉर्मेशन पाइए। उसके बाद क्या करिए, अगर आपके पास बजट है तो सर्बियन भाषा में इसी इन्हीं न्यूज़पेपर में ऑफलाइन ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट करिए। एडवर्टाइजमेंट में लिखिए, वी आर ए लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया, एंड वी आर लुकिंग फॉर सर्बियन इंपोर्टर्स, सर्बियन एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स हु आर लुकिंग फॉर इंपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। और आपका प्रोडक्ट डिटेल्स लिख लीजिए, क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, आप एक्सपोर्ट करते हो बिल्डिंग मटेरियल्स, तो बिल्डिंग मटेरियल्स का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का कुछ डिटेल्स लिख लीजिए कि हम लोग वी आर एक्सपोर्टिंग और वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट का नाम लिखिए, आयरन एंड स्टील हो गया, सिरामिक्स हो गया, आयरन रॉड्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो लिख लीजिए। एंड वी आर लुकिंग फॉर सर्बियन कंपनीज हु आर इंटरेस्टेड टू इम्पोर्ट आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। ऐसा करके डिजाइन बनाइए सर्बियन भाषा में, मैं तो इंग्लिश में बोला, सर्बियन भाषा में बनाइए। बनाने के बाद इन्हीं न्यूज़पेपर में ऑनलाइन ऑफलाइन में एडवर्टाइजमेंट करिए, तो सर्बिया का कंपनीज आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ के आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे सर्बिया में ऑनलाइन ऑफलाइन में कैसे एडवर्टाइजमेंट होगी। उसके बाद क्या करोगे, alibaba.com, tradeindia.com, indiamart.com जैसे साइट में रजिस्टर करके पेड एंड फ्री में आपका कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करिए। ऑल्सो alibaba.com में भी आपको काफ़ी सारे सर्बियन कंपनीज मिल जाएंगे, मेड इन चाइना में भी मिल जाएंगे, madeinchina.com, alibaba.com। मैंने पुराने वीडियो में बहुत सारे इंडिया एंड ग्लोबली जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स का जिक्र किया हूँ, बताया हूँ, उन्हीं वेबसाइट में आपको सर्बियन कंपनीज भी मिल जाएंगे। उसके बाद फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, चार साइट में पेड मार्केटिंग करिए, सर्बिया को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपका कंपनी का प्रोडक्ट को प्रमोशन करोगे तो इन सर्बिया आपको वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास बजट है तो सर्बिया जाके खुद मार्केटिंग कर सकते हो, और सर अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, सर्बिया में खुद का कंपनी खोलिए, कंपनी फॉर्मेशन करिए, कंपनी खोलिए, दुकान खोलिए, शोरूम खोलिए, आपका खुद का वेयरहाउस रखिए, इंडिया से प्रोडक्ट लेके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ऑल ओवर सर्बिया में आप सेल करिए, तो आपको इजीली आप इंडिया का प्रोडक्ट वहाँ पर एक्सपोर्ट करके सेल कर सकते हो। अगर सर्बिया में आपको एक्सपोर्ट करना है, कैसे मार्केटिंग करोगे, एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे करोगे, कंपनी फॉर्मेशन कैसे करोगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको मदद करूँगा सर्बिया में खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके, इम्पोर्ट करके आप वहीं से वहाँ पर इजीली सेल कर सकते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। ऑल्सो आप काफ़ी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जितने सारे मैं बना रहा हूँ आपके लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के ऊपर, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएगा टाइम पर, तो आप देख कर देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए काफ़ी सारे ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।